हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एलटी स्पाइस क्या होता है, एलटी स्पाइस से हम कैसे सर्किट को सिमुलेट कर सकते हैं, और एलटी स्पाइस से हम कहाँ से डाउनलोड करें, और ये लाइसेंस फ्री सॉफ्टवेयर है तो इसको आप आसानी से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम चलते हैं गूगल पर, गूगल क्रोम पर डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हम एल टी स्पाइस डाउनलोड टाइप करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, ये आ गया एल टी स्पाइस सिमुलेटर एनालॉग डिवाइसेस। ये एनालॉग डिवाइसेस का है। आप यहाँ पर जाइए, यहाँ से आप एक्सेप्ट एंड प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो भी विंडो वर्जन है, विंडो आपके पास 7 या 8 है, 10 है, 32 बिट, 64 बिट, या फिर यहाँ पर मैक मैक ओएस का भी दिया हुआ है ऑप्शन, तो आप यहाँ पर चूज करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे लिए ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसको डाउनलोडिंग में कोई इजीली आप डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं। यहाँ पर मेरा एल टी स्पाइस XV11, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का इसका इंटरफेस रहेगा। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है फाइल का, फाइल में न्यू स्कीमेटिक आएगा, न्यू सिंबल आएंगे, ऑप्शन आएगा। तो पहले हम न्यू स्कीमेटिक लेंगे। एक हमारे पास ये स्कीमेटिक के लिए विंडो दिया है। इसमें सबसे पहले क्या करना है कि कंपोनेंट हमको इंपोर्ट करना है, कंपोनेंट लेके आना है। आपको जो भी सर्किट में कंपोनेंट रिक्वायर्ड है वो हम लेके आएंगे। मीन्स सबसे पहले हम स्कीमेटिक ड्रॉ करेंगे। तो स्कीमेटिक क्या होता है, यहाँ पर रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है। सपोज अपन सिंपल एक डायोड, रजिस्टर डायोड सर्किट बनाते हैं। तो रजिस्टर डायोड सर्किट बनाने के लिए मैं एक डायोड ले लेता हूँ। यहाँ पर ये डायोड लिया है, इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए ये है, इसको मिरर इमेज बनाने के लिए इस तरीके से यहाँ पर इस दिया हुआ है। तो हम इसको रोटेट करके यहाँ पर लेके आए हैं। एक ही डायोड चाहिए हमको, एक रजिस्टर चाहिए, ठीक है, और एक वोल्टेज सोर्स चाहिए। वोल्टेज सोर्स के लिए हम ये कंपोनेंट जो गेट गेट सिंबल्स की तरह है, ये कंपोनेंट में जाएंगे, कंपोनेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डालेंगे वोल्टेज, राइट। वोल्टेज पे क्लिक करने के बाद ये वोल्टेज सोर्स आ गया, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स सिलेक्ट कर लिया। इनको अब हमने कंपोनेंट इंपोर्ट कर लिए हैं। एक हमको ग्राउंड भी चाहिए, तो ये ग्राउंड लेके आ गए। ये हमने 4 कंपोनेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि इन कंपोनेंट को हमको कनेक्ट करना है, स्कीमेटिक बनाना है। तो इसके कनेक्ट करने के लिए आप ये पेंसिल यूज करेंगे। ये पेंसिल यहाँ पे दिया हुआ है वायर नाम से, तो आप यहाँ पर इसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये सभी कंपोनेंट कनेक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से सर्किट मिल गया है। अब हम इन सभी कंपोनेंट को नाम देंगे, वैल्यू देंगे। तो नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, V1, D1, R1, आप रीनेम भी कर सकते हैं इसको। रीनेम करने के लिए आप इस नेम पे डबल क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो ये आ गया V1। तो मैं इसे बोल देता हूँ VDC, बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर VDC कर दिया। जस्टिफिकेशन दिया हुआ है, लेफ्ट राइट आपको कहाँ पर जाके प्लेस करना है, ठीक है। ये डायोड है, डायोड का अगर हम नाम चेंज करने वाले चाहते हैं तो ये D1 पे जाके राइट क्लिक करेंगे, D1 कर सकते हैं, बॉटम लेफ्ट जो भी आपको जस्टिफिकेशन करना है दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे हम रजिस्टर की वैल्यू हमको चेंज नाम चेंज करना R11 करना है, तो ये R11 हो गया। रजिस्टर की वैल्यू हम दे देंगे, रजिस्टर की वैल्यू, तो रजिस्टर पे जाके हम माउस का राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पर यहाँ पर हम वैल्यू डालते हैं, सपोज 10 ओम डाला। अगर आपको टॉलरेंस पता है तो आप टॉलरेंस डाल दीजिए, पावर रेटिंग पता है पावर रेटिंग डाल दीजिए, और कोई आपका स्टैंडर्ड रजिस्टर है जो कि लाइब्रेरी में है तो यहाँ पर ऑप्शन है सिलेक्ट रजिस्टर, सिलेक्ट रजिस्टर पर जाएंगे और यहाँ से हम कोई वैल्यू उठा लेंगे जो आपको चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पर सिर्फ 10 ओम इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है। मैं इस वैल्यू को हटा देता हूँ। अब हम
सभी प्रकार के रजिस्टर यहाँ पे मिल जाएंगे हमको। जैसे 200 ओम का रजिस्टर चाहिए हमको, या 100 ओम का चाहिए, या 100 ओम का रेजिस्टेंस है, पावर है 0.1 वाट का है, टॉलरेंस 1%, तो इसको ओके करेंगे, ये हमको मिल गया। हम डायोड, इसी तरीके से आप डायोड के भी पैरामीटर आप मैन्युअली डाल सकते हैं। अगर आपके डायोड के पैरामीटर मैन्युअली नहीं डालना, तो यहाँ पर पिक न्यू डायोड करके ऑप्शन है, यहाँ से आप जो डायोड आपको चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस प्रकार का चाहिए, सिलिकॉन, शॉर्ट की, जीनर डायोड, वेक्टर डायोड, एलईडी शॉर्ट की डायोड, यहाँ पे फिर एलईडी है, जीनर डायोड है, ये सभी प्रकार के डायोड हैं जो कि स्टैंडर्ड एक लाइब्रेरी है। आप इस लाइब्रेरी में ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सिंपल एक डायोड सिलेक्ट करता हूँ, ये एक डायोड सिलेक्ट किया है, एक VDC यहाँ पे कितना देना है, आप VDC यहाँ दे सकते हैं, और वोल्टेज सोर्स में जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है, आप सीरीज रेजिस्टेंस भी सिलेक्ट करके वो वैल्यू दे सकते हैं। अब सपोज मुझे यहाँ से वोल्टेज सोर्स नहीं देना, मुझे कुछ और भी वोल्टेज मीन्स DC नहीं देना, तो मेरे पास जो अदर वोल्टेज के ऑप्शंस हैं, फंक्शन है, वो है पल्स, उसके बाद साइन वेव, एक्सपोनेंशियल, SFFM, PWL एंड PWL फाइल आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर DC वैल्यू डाल सकते हैं, यहाँ पे AC एम्पलीट्यूड, AC फेस, और यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस ऐड कर सकते हैं। सपोज साइन वेव चाहिए, तो आप साइन वेव पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो आपको जैसे साइन वेव में DC वैल्यू ऑफसेट 0 है, अगर 0 रखना चाहते हैं तो, अगर कुछ वैल्यू है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट ले लेते हैं हम, फ्रीक्वेंसी सपोज 50 हर्ट्स ले लेते हैं, और टाइम डिले, और ये हम कुछ नहीं करते, इसको हम 100 साइकिल्स का ले लेते हैं। इतना करने के बाद हम ओके करेंगे, इसको कुछ इस तरीके का आएगा। अभी ये सर्किट में इस तरीके का दिख रहा है कि ओवरलैप कर रहा है, सर्किट के ऊपर जा रहा है, इससे हमारा सर्किट अच्छा नहीं लग रहा। सर्किट को नीट एंड क्लीन रखने के लिए हम यहाँ से ड्रैग ऑप्शन यूज करेंगे, ड्रैग ऑप्शन को इस पे क्लिक करेंगे, और ये आ गए हम यहाँ पे इस वोल्टेज सोर्स को, जहाँ पे आपको ठीक लगता है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि अब हमको रन करना है सर्किट, तो रन पर क्लिक करेंगे। रन पे क्लिक करने के बाद जो स्टॉप टाइम दिया हुआ है कि स्टॉप टाइम क्या रहना चाहिए, ये आप डिसाइड करेंगे कि हमें सर्किट कहाँ तक रन करना है, मतलब कितना सिमुलेशन, कितना टाइम तक सिमुलेशन चलाना है। मान लो मैं 20 मिली सेकेंड के लिए चला रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद ओके करता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं सबसे पहले वोल्टेज, बैटरी का वोल्टेज देखता हूँ, तो ये एक साइन वेव जो हमने दी है 20 मिली सेकेंड लिया है, मीन्स 50 हर्ट्स, 50 हर्ट्स मीन्स कंप्लीट एक साइकिल मिला है हमको। मैं चाहूँ तो ये ट्रांजियंस को अपन बढ़ा सकते हैं, इस ट्रांजियंट को हम 100 मिली सेकेंड कर सकते हैं, तो कितना साइकिल आ जाएगा, 5 साइकिल आ जाएंगे 20 20 मिली सेकेंड के। फिर से मुझे एक रन करना पड़ेगा इसको, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और एक 5, टोटल 5 साइकिल बन गए 20 मिली सेकेंड का एक साइकिल है, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ली है 50 हर्ट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं डायोड का वोल्टेज क्या रहेगा, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा। तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज इस तरीके का होगा, क्योंकि जब साइकिल यहाँ पे देखिए, जब पॉजिटिव साइकिल रहता है तो क्या डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा तो डायोड का जो वोल्टेज आएगा वो रेजिस्टर के अक्रॉस आएगा। ठीक है, तो जो जो आउटपुट आएगा, जब जब डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगा तो कंडक्ट करेगा, तो आउटपुट वोल्टेज जो रहेगा वो ये रहेगा, और ये रहेगा जो है ये ब्लू वाला डायोड का वोल्टेज रहेगा। तो ये सर्किट सिमुलेशन है, ये बेसिक सर्किट सिमुलेशन है जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। अब नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग और सर्किट के सिमुलेशन के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। आपका अगर कोई सजेशन है, आप कोई सर्किट का सिमुलेशन करवाना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।